बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है। आज के नए ब्लॉग का करते हैं आगाज, और आपने बहन भैया हमारे साथ साथ, तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह खिलते रहें। तो जी, दोपहर का टाइम हो चुका है और सुबह की मैं लगी हुई हूँ काम करने में, सफाइयाँ करने में। आपको पता है जिस तरह ईद के थोड़े दिन रह रहे हैं, भाई 4-3 दिन रह रहे हैं ईद के, तो मैंने कहा फटाफट जो काम मेरा रह रहा है वो मैं कर लेती हूँ। और ये ईंटे वगैरह भी सुनवा के मैं उधर ऊपर रख देती हूँ उठा के, क्योंकि मैंने ना काफ़ी अपना काम ना ईद के तैयारियाँ वगैरह हैं वो काफ़ी मैंने कर चुकी हैं माशाल्लाह से। तो कल मैंने यहाँ की लिपाई भी कर दी, यहाँ का देखो बिल्कुल साफ सुथरा ये हो चुका है माशाल्लाह से। तो मैंने कभी ये ईंटे वगैरह सुनवा देती हूँ, फिर यहाँ की भी झाड़ू लगाती हूँ, और मैंने कमरे की भी आपको सेटिंग दिखाती हूँ, वो भी करते हैं अंदर। और फट्टा ही मैंने सारा धो दिया है, बर्तन भी धो के मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा काम हो चुका है। और ये कूलर उठा के इधर रख देती हूँ, आपको पता है पीड़े की नजर पड़ती है। और ये पंखा उठा के छांव में रख देती हूँ, फिर मेरी धूम में ना ख़राब हो जाएगा। आज तो मैंने काफ़ी माशाल्लाह काम अपना जो था सारा मैंने माशाल्लाह समेट ली है। अब चलती हूँ अंदर चूल्हे के भी, जरा पहले कमरे की सफाई करके फिर बाद में चूल्हे। तो चूल्हे की मैंने आपको सारी सेटिंग वगैरह दिखा दी है, तो आ चुकी हूँ अंदर कमरे में। तो ये मैंने कहा ये सारा यानी कि अभी सारा कुछ मैंने साफ करा है, तो कूलर भी मैंने साफ कर दिया है, हाँ जी यहाँ की भी मैंने सारी जगह साफ कर दी है। और ये पेटी कहीं मैंने कल मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, ये भी मैंने साफ करके इस पे अच्छी तरह मैंने बिछा दिया। हाँ जी क्या हुआ? अच्छा अच्छा, मोहम्मद ने कुछ कह रहा है। तो बिस्तर कपड़े वगैरह भी, पेटी वगैरह भी, हर चीज मैंने सारी साफ सुथरी नीट करके रख दी। और बर्तन दोबारा से धो के दोबारा मैंने स्फील पे लगा दिए, जो कपड़े थे स्फील के वो भी मैंने दोबारा धो दिए और दोबारा से लगा दिए। बैग वगैरह मैंने उठा के साइड पर रख दिया, क्योंकि बच्चे जाती हैं ट्यूशन, तो मैंने इन्हें बता रखा, मैंने कहा जब ट्यूशन से आया करो तो बैग अपने जहाँ पे जगह पे होती है वहाँ पे संभाल कर रखो, क्योंकि फिर बच्चे होते हैं ना आपको जैसे बच्चे, भाई बच्चे जिनके माँ बाप बताते हैं तो बच्चा फिर वैसे ही करता है। तो मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा जहाँ से उठाया करो चीज़ वहीं रखा करो, फिर ज़्यादा गंद होता है फिर बुरा लगता है। तो ये भी सारा मैंने साफ कर दिया है, और पेटी मैंने साफ कर दी, ये भी मैंने धो के मैंने चढ़ा दिया, बिल्कुल साफ सारा कमरा हो चुका है। कल को बस मेरा आखिरी काम है, मैंने मंजिया धोनी है, वो कल को इंशाल्लाह जी मैं कल को फिर धोलूंगी। तो कमरे में मैंने पानी वगैरह छिड़क दिया है, तो मैंने कहा अंदर के ना मैं कमरे की ना अच्छी तरह से सफाई वगैरह कर देती हूँ। और मोहम्मद इनाम कह रहा है मुझे झोली में हटा दो। अच्छा जी, जरा सफाई कर लेती फिर आपको झोली में हटाती हूँ। फिर बस सारा काम मैंने तकरीबन कर लिया है, और कुएं सिस्टम की तरह लगी हुई है, उन्होंने मशीन लगाई हुई है, और चूल्हे की लिपाई चुपाई अभी रह रही है वो करने लग रही है। और भी बस सारा काम मेरा तकरीबन हो चुका है माशाल्लाह से। अब मैंने कहा बस कमरे की सफाई करके मोहम्मद इनाम को निकाल के जोड़ी में लगा दूंगी, ताकि अब ये तंग कर रही है ना, इसका टाइम हो रहा है सोने का, तकरीबन 12 का टाइम हो रहा है माशाल्लाह से। तो मैंने कहा बस कमरे की नहीं सफाई कर लेती, ऐसा भी सुबह सफाई करी थी साना बेटी ने, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं खुद अच्छी तरह सफाई, जब तक कहते हैं ना भाई बेटियां करती होते हैं काम, जब तक मैं खुद ना करूं मुझे सुकून नहीं आता। मैं जब काम करती हूं बिल्कुल सफाई से साफ सुथरे से काम करती हूं कि पता लगता है भी काम होया हुआ है। तो भाई झाड़ू दे लेती हूं, आखिरी काम है, बाकी फिर इंशाल्लाह जो बोलोग होगा अपने बहन भाइयों से हम शेयर करते रहेंगे। और ये और सामने की तरफ सूरज देखो कितनी तेज होने लग रही है, और जानवरों को भी हमने छांव में बांध दिया, इसे भी हमने बांध दिया, उसे भी हमने बांध दिया, माशाल्लाह सारे जानवर चारा वगैरह खा के आराम से सुकून से बैठे हैं। वो शहजादा को देखो वो दीवार पे तरफ झांकता है, पता नहीं वहाँ से बकरी नजर आती है, पता नहीं क्या नजर आता है, वो फिर ना देख के बोलता है। इसे भी मैंने चारा वगैरह डाल दिया था, ये भी ना जब इसका दिल करता है फिर ये खाने लग जाता है, उसे भी हमने डाल थे, वो भी माशाल्लाह खा पी के आराम से खड़ा है। और क्यू असिस्टर ने मशीन लगाई हुई है, कपड़े वगैरह धोने लग रही हैं, तो मैंने कहा क्यू असिस्टर आप आज लगा लो तो मैं कल को लगा लूँगी। इधर बच्चों को देखो जी, बच्चे उल्टे काम करने लग रहे हैं, पानी छिड़कने लग रहे हैं मोटर चला के, और इस बकरे को भी हमने यहाँ पर बांध दिया है। और जी अब चलते हैं जी, और क्यू असिस्टर भी अपना सफाइयाँ सफाइयों में लगी हुई है। क्यू असिस्टर इधर देखो, हाँ जी हो गया काम आपका, इसे देखो जी कहाँ चल रहा शैतान, इसे देखो जी, चलो जी शैतूत खा रहा है जी, इसे थोड़ा सा ना रह गया 2 दिन के बेचारे मेहमान, कर लो जितनी खिदमत करनी है इसकी, फिर चला जाएंगे अल्लाह के राह पे कुर्बान हो जाइए। हाँ जी हो गई लपाई, हो गई लपाई, गोबर नहीं आपने सही तरह डाला? गोबर डालूंगी बाद में। हाँ तो कब डालोगे? गोबर हाँ गो, यानी कि अभी आपने यानी कि इसकी मट्टी करी है ना, फिर बाद में गोबर इसके अंदर मिक्स करके फिर प्लेम प्लेम इसके ना लपाई करना, फिर बिल्कुल साफ तरह सफाई हो जाएगी। इस तरह मैंने अपने चूल्हे की सफाई करी, ये लो मोबाइल, इस तरह यानी कि
दोनों साइड से कर लिया आपने सफाई। अच्छा बशा इधर की रह रही है, चलो अच्छा कर रहा है। यही काम आप पहले कर लेते हैं, आपके देखते शौकत भाई करेगा। शौकत भाई क्या करते हैं बस आपको पता, जो वही तो कह रही ना बस। आप दिन भी थोड़े रह गए, दो दिन रह गए। मैंने भी अपने नहीं ठीक है, फर्स्ट क्लास है दीवार। हाँ नहीं ठीक है, पहले जोर से नहीं लगी तो बच्चों को देखो किस तरह शरारते करने लगे। गर्मी है बस, बच्चे नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, मोटर चलाई हुई है, प्लेट नहीं बैठते भाई, बच्चे नहीं बैठते। बच्चे कहते हैं हम आपसे पहले आगे बाहर निकले। ये तो शुक्र है हमारे घर में शतूत वगैरह है, छांव वगैरह है, आराम से जब लड़ जाती है तो आराम से अपना बच्चे वगैरह ना सुकून से बैठ जाते हैं। बस कर लो, ये दो दिन रह रहे हैं, फटाफट जो काम आपने बैठना ना कर लो। तो बस मेरा आखिरी काम रह रहा है, क्या रह रहा है मेरा, सिर्फ मेरी मंजिया रहनी है धोने वाली, वो कल को इंशाल्लाह मैं धो लूंगी। बस आप पहले लो उनकी, आज इतने धुम्मे में डाला है। हाँ धुम्मे तो खराब हो जाएगी। अच्छा क्योंकि ये ललून है ना, फिर पट्टी खराब हो जाएगी धूम में, इस वजह से। कपड़े फैना लोगे आपके? नहीं अभी ये रहते हैं, अभी वो बहुत सब कुछ ये बीच में शुरू कर दिया मैंने, कि ये से तो काम नहीं मिलूंगी कुछ गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या करें। बस काम तो करना है ना, आखिर भावे गर्मी है तो भावे सर्दी है, काम तो नहीं बैठना है ना। गंद तो फिर आपको पता है फिर बुरा लगता है। अभी ना डालो, अभी ना डालो, हाँ फिर बाद में कर लेना। बंद कर दो तेने पाइप, मोटर बंद कर दो तेने। चलो ठीक है, आप रुकिए सिस्टर आप कर लो, मैं कराऊँ आपके हाथ का। हो गया अभी तो आपने इधर की पाइप भी करनी नीचे की है ना। इसके अंदर पानी डालो, पानी डाल के गोबर डाल के, हाँ रोड़ियां सी खत्म करके ना, फिर इसमें गोबर डाल के फिर एक जान जैसा करके फिर फटाफट लिपाई कर दो। हाँ सही है, इसके अंदर बस गोबर डाल लेना, फिर मजबूती हो जाएगी। हाँ जी, बस ये दीवार की वजह से रुकी, थोड़ा सा गोबर, थोड़ा सा वो जो हम वो भूस नहीं छानते हैं उसकी पम्बी, वो डाल देना। हाँ जी बारीक, जबरदस्त लिपाई होगी, ऐसे लगे ऐसे आप लिपाई करोगे जैसे सीमेंट कर रहे हो, इतनी मजबूती से काम होता है। चलो ठीक है आप ये कर लो, फिर मैं भी देखती हूँ इनाम उठा हुआ, इनाम को सुलाती हूँ, फिर जो काम होएगा अपने बहन भाइयों से हम शेयर करते रहेंगे। सो के उठे हैं तो गाय को भी देखने लग रहे हैं, और गाय का भी घास भी लाने, और कोई ऐसे मशीन लगाई हुई है, अभी तक कपड़े मुकम्मल नहीं है, और बादल भी माशाल्लाह से दोबारा से विलेज में आ चुके हैं, और बारिश बताई है एक दो दिन की, अंधेरी भी और बारिश बताई है। तो मैं तो अभी तो आपको अच्छा देखी जाएगी, चलो कर लो, यानी कि देखी जाएगी बारिश बुरिश आएगी तो फिर मैं करूँ लिपाई, कोई ऐसे से मैं करूँ लिपाई नरम नरम एक। ये आप ये क्या कर, अच्छा ये मोटा मोटा उठाने लग रहे हो, अच्छा सही। तो जी भाई सदीक, हम दोनों किसी काम से गए थे, तो जिस काम से गए वो काम फिर भी अधूरा रह गया है, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह एक दो दिन वो काम हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। कुछ चीज़ें वगैरह रहनी थी वो अभी मैं भी कॉल करती हूँ और वो मंगाती हूँ, ताकि जो काम रुका हुआ हमारा वो काम जल्द से जल्द हो जाए। तो जी यहाँ पे जी गारा वगैरह अच्छी तरह बना के रख दिया है जी, इसमें गोबर भी डाल दिया है, और फरीक फरीक तुड़ी की पम्बी वो भी डाल दी है, और बकरा शहजादा भी वो सामने की तरफ खड़ा है मदद से, क्योंकि आपको पता मौसम ठंडा हो गया। और चाय बना लिया आपने? रुकिया हाय हाय, चाय पीने का तो गर्मी में मज़ा होता है। चलो ठीक है बना रही हूँ, दूध नहीं है, चलो अच्छा ठीक है, जितना दूध पड़ा मैं बना लेती हूँ, बाकी ना थोड़ा सा रख देती हूँ, फिर मरीब के पापा आएंगे ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं बनाती हूँ, मैं थापियाँ मंगाती हूँ इनसे, बड़ी बड़ी थापियाँ लेके आता है, ताकि जल्दी ना आग जला के चाय बना लेते हैं। मौसम तो चाय पीने का ठंडा ठंडा, ये देखो मैं अंजीर खाने लग रही थी, बस थक गया ना अपने एकदम से, फिर सारा काम कर। मैं कहती बड़ी आपको थोड़ा थोड़ा करके काम कर लो, पहले एक काम ख़त्म कर लो फिर दूसरे काम को हाथ लगाना, जिस तरह मैंने किया है, ये काम पहले ख़त्म करके फिर दूसरे काम को हाथ लगाया मैंने, इस तरह ये ना तीन दिन में लग। अच्छा चलो अल्लाह रहम करे। सही है, ये ऐसे किसी बच्चों को कह देना, ये गट्टू ले आएगा, ये गट्टू पड़ा इसमें उठा लो, ये लो। नहीं नहीं बस ठीक है ठीक है, नहीं मेरी बात सुनो, ये देखो बिल्कुल ना बराबर ही है। अब इस पे आप ना गारे की पानी छिड़क के ना गारे की लिपाई कर दो, इतनी सोनी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगेगी, देख लेना दीवार बेहतरीन। ठीक है यार, कहीं नहीं जाती दीवार, दो दफा पहले बनाई थी ना, गिर गई थी, अब मैंने जोर लगा लगा के ना फिर बनाई।
अच्छा बता रहे हैं बारिश वगैरह अंधेरी का। हाँ जी दो दिन का बताए हैं, आप देखो आगे अल्लाह ताला को। हाँ जी बस बकरा ईद खाने का मजा आ जाए, ये तो इतनी गर्मी में ना गोश्त खाने का दिल करेगा ना ईद बनाने का दिल करेगा, इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। चलो फिर ठीक है, आप ये अच्छी तरह ना इसके अंदर दोबारा और इसमें गरा डाल वो गोबर डालो। डाले सुबह सुबह डाले। अच्छा हाँ ये देखो बिल्कुल प्लेन। ठीक है बेहतरीन, उसे भी वो जो थोड़ा सा रह रहा ना उसे भी जरा मिक्स कर लेना ताकि अच्छी तरह ना वो हो जाए। चलो ठीक है फिर मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं फिर आप इतना आप गारंग की भी थोड़ी वो कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी मैंने बना दी है, तो रुपया का मुझे आधा कप चाय कर देना, मैं ज़्यादा नहीं पीती, गर्मी हो रही है क्योंकि लगी हुई है सुबह से काम में लगी हुई है, दोपहर का टाइम बस करती थी तो अब फिर शाम का टाइम फिर लग गई है, इतना टाइम हो गया है तो मैंने चाय भी बना ली है। मौसम देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो ये लो भाई जान आपकी भी चाय है और प्याज की भी चाय है। मैंने फिर ज्यादा पतली नहीं पकाई, मैंने अच्छी बना ली, मैंने थोड़ी बना ली। हाँ अच्छी बना लो, थोड़ी बना लो, आधा आधा कप आए अच्छा बन जाए बस। तो मनी बेटा को मैंने सब्जी लेने के लिए भेजा है, तो भिंडियाँ और मैंने प्याज मंगाया। सही तो आपको पता फिर भिंडी में प्याज थोड़ा ज्यादा डलते हैं। और आपने क्या मंगाया? हमने बच्चे कह रहे हैं अरबियाँ मंगा दो पापा। अरबियाँ किस दिन भाई? अरबियाँ के पत्ते बनाए? अरबियों के पत्ते अभी आए नहीं, आ रहे हैं। चलो देखेंगे इंशाल्लाह बनाएंगे। ज्यादा नहीं पता सर, 20 से पता चलाएंगे, 30 रुपए होंगे वो तो कोई नहीं मसला। चलो तो ये है ये देखो ना बंदा ना वो कर लेता है खा लेता है जी। हां मेरी सास तो बनाती रहती है, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन बनाती रहती है, हम फिर खाते रहते हैं। ये है उनका खर्चा बहुत हो जाता है। हां जी खर्चा तो होता है मगर खाने का मजा भी तो फिर होता है। चाहती है खाने का, खाने का मजा होता है जी। वो जो सुखे सुखे बनता है मुझे बच जाते हैं, वो जो ज्यादा ज्यादा जिनके तक हो जाते हैं ना। मैंने यहाँ पे बना के रख दी है और मैंने अपना कप भी डाल दिया, रुपया सर के पास जाते हैं जाके चाय देती हूँ, ऐसे नहीं हिले जब तक इसके हाथ में चाय ना दो। ये लो जी चाय अपनी। अच्छा यहाँ रखती हूँ, अच्छा पानी है नहीं यहाँ पे, ये धो लो, ये लो पहले चाय पी लो फिर जी उसके बाद अपना काम। माशाल्लाह जी सही हो रही लिपाई, देखो हो गया ना सौसरा काम हो गया, भैया मुकम्मल करके जो ये वाली दीवार रह रहे हैं इसे भी मुकम्मल कर लेना। हाँ अच्छा सही है, चलो सही है। चलो फिर ठीक है आप चाय वगैरह पी लो, मैं पी लेती हूँ फिर सब्जी आ जाती फिर सब्जी वगैरह ही बना लेते हैं। ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय वगैरह भी हमने पी ली है, शौकत भाई ने पी ली है और प्रियसिस्टर ने पी ली है। तो चाय पी के शौकत भाई काम पे चले गए, फेरी पे चले गए हैं, तो मैंने यहाँ पे भिंडियाँ धो के रख दी थी तो खुशक हो चुकी हैं, तो मैंने कहा भिंडियों की मैं कटाई कर लेती हूँ। उसके बाद जी रेसिपी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे बिया बेटी बैठी हुई अपनी मम्मा के हेल्प कर रही हैं, मैंने कि लहसुन छीने लग रही हैं और प्रियसिस्टर ने मुझे लग रहा ये अरबियाँ मंगाई हैं, अरबियाँ थोड़ी सी होंगी बस, चलो ये है हमारा हो ही जाएगा। यहाँ पे फिर मैंने प्याज भी मंगाए हैं, प्याज उधर मैंने रखे हैं चिल्ले के पास, तो मैंने कहा फटाफट ना अब ये काट लेती हूँ मैं। यहाँ पे ये भिंडियाँ बकरे भी बोलने लगे, बकरों का मैंने पानी भी पिला दिया और चारा वगैरह भी मैंने डाल दिया, तो मैंने कहा मौसम और ख़राब, मैंने कहा फटाफट ना जो काम रहता है अपना फटाफट कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ नलके में कहीं चूल्हे पर जाती हूँ जाके अपना हंडी रोटी कर दी। उधर देखो खाला जी ने अपनी लिपाई भी कर दी है, मुकम्मल कर दी है और थड़ी भी लीप दी है और चूल्हे वाली जगह भी सारी माशाल्लाह जी खुली और माशाल्लाह काफ़ी ना अच्छी लग रही है माशाल्लाह। देखो अभी पाई हो गया ना, अब माशाल्लाह अच्छा साफ सुथरा चूल्हा लग रहा है माशाल्लाह से। तो बस अब फटाफट यहाँ पे मैं ये भिंडियाँ काट लेती हूँ फिर उसके बाद प्याज काटने आएगी। यहाँ पे जो है माशाल्लाह से भिंडी काटी जा रही है, प्याज और लहसुन भी छील लिया है, नहीं खाली में हर प्याज भी छील लिया है और यहाँ पे मैंने हरी मेथी भी रख दी है और यहाँ पे ये लहसुन है लहसुन भी छील दिया है।
तो अब जी यहाँ पे जी ये लहसुन सच्ची आप क्या मेरा लहसुन उधर छिला पड़ा है, ठीक। तो भिंडियों को मैंने डंडिया यानी कि काट ली थी। हाँ जी। तो अभी ने मैंने फटाफट काट लेती हूँ जी। तो उधर माशाल्लाह आपने बिल पाई वगैरह कर दी है? हाँ जी, मेरा काम भी फिनिश हो चुका है माशाल्लाह से। बस अब जो गारा थोड़ा सा मैंने बना दिया और तो अब खाना वगैरह मैं बना लेती हूँ। उसके बाद जो है टाइम मिलेगा तो मैं फटाफट दीवार पे दोबारा लिपाई कर दूंगी फटाफट हल्का हल्का। फिर उसके बाद मैंने मशीन भी लगाई हुई है, बस एक पूरा आ गया, बस वो निकाल के मशीन को धो देती हूँ। फिर आप सुबह मशीन लगा देना, कपड़े जो सूख गए थे वो मैंने तह करके यहाँ पे रख लिए हैं। तो इन्हें मैं ट्रंक में रखती हूँ, बाकी जो सूखे थोड़े थोड़े गीले थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और जो है फिर माशाल्लाह से मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, तो माशाल्लाह से पत्ते वगैरह हिल रहे हैं, हवा चल रही है हल्की हल्की। और माशाल्लाह से वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये थी आज की ज़बरदस्त वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आबाद रहना, फूलों की तरह खिलते रहना। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, हिफ्ज़ो अमान में रखे अल्लाह पाक।